सोनभद्र को लेकर के कांग्रेस लगातार यूपी सरकार और बीजेपी सरकार के ऊपर निशाना साध रही है, लेकिन इस सबके बीच में यूपी सरकार की एक रिपोर्ट आई है जो कि सपा और कांग्रेस के कनेक्शन की ओर भी इशारा कर रही है। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी सांसद अनिल जैन जी। अनिल जी, यूपी सरकार की रिपोर्ट ये कह रही है कि सपा कांग्रेस कनेक्शन है। कांग्रेस कह रही है कि प्रियंका गांधी वहां जा रही थी, आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की, उनको रोक करके जिस तरीके से रोका गया है। देखिए, सबसे पहले तो सोनभद्र की जो घटना हुई है इसको राजनीति के पचड़े में डालकर जो लोग मरे हैं उनके परिवार के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए और परिवार के लोगों को सब प्रकार का आश्वासन और उनको सहायता मिलनी चाहिए, ये एक आवश्यक कार्य है। लेकिन क्योंकि घटना इतनी बढ़ गई है और इसका राजनीतिकरण भी खूब हुआ है, सहानुभूति लेने के लिए, सहानुभूति देने के लिए जिसका जो भी कारण हो, लेकिन राजनीतिकरण खूब हुआ है। इस दृष्टि से अब जब घटना की सब परतें खुल रही हैं तो 1955 में किस तरह से ये ट्राइबल्स की लैंड को किस सोसाइटी को दिया गया, सोसाइटी की लैंड से किस प्रकार से दो आईएएस ऑफिसर्स की पत्नी के नाम किया गया, फिर उनके नाम से किस प्रकार से सपा के जो प्रधान या सरपंच ने कैसे अपने नाम में खरीदा, और उसके बाद उन्होंने जो निरीह और ट्राइबल्स के साथ जो अंजाम किया है, किस तरह से जघन्य अपराध किया है, ये देश के सामने है। तो जो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, जो लोग ट्राइबल के वेलफेयर की बात करते हैं, वो सब कटघरे में खड़े हैं। इन्होंने इसकी पृष्ठभूमि देखी नहीं है। हम इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते, लेकिन जब तक अगर ये इस हद तक आएंगे तो इसकी परतें खुल रही हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस के राज में कांग्रेस के अधिकारी और उन लोगों ने ये जमीन को कैसे गलत तरीके से सोसाइटी के नाम ट्रांसफर किया, सोसाइटी से लोगों के नाम ट्रांसफर हुआ, लोगों के नाम से बेचा गया, सरपंच को खरीदा गया और सरपंच किस पार्टी के थे, ये सब बातें जनता के सामने हैं। अब ये कटघरे में खुद खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये इस तरह के जघन्य अपराधों को तो कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति हो, इनको ठीक नहीं कह सकता, लेकिन पृष्ठभूमि में ये सब लोग खड़े आते हैं, अब इनको अपने कॉलर को देखना पड़ेगा। लेकिन सबके बीच में जो है कांग्रेस लगातार नारे लगा रही है, प्रदर्शन करी संसद भवन परिसर में कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, दलितों की और आदिवासियों की हत्या की जा रही है बीजेपी सरकार में, और अगर जो है कांग्रेस का कहना है कि कोई दोषी था उसके खिलाफ कार्रवाई करते, लेकिन प्रियंका गांधी को रोक दिया। नहीं देखिए, ऐसा है ना कि इस समय जब ये इतना बड़ा घटना होती है, कोई कांड होता है, कोई पहली बार प्रियंका गांधी अकेली देश की नेता ऐसी नहीं है जिनको रोका नहीं गया है, तमाम लोगों को पहले रोका गया, क्योंकि जब घटना होती है तब उसमें राजनीतिक लोगों को ना भेजा जाए जिससे ये मामले उकसावे में या इनमें उकसावा ना हो, इसके कारण से रोके गए, तमाम बार रोके गए। अब सोनिया, प्रियंका गांधी एक दुनिया भर से अलग नेता उतर के आए कि ऐसे जब कांड होते हैं तो तमाम नेताओं को रोका जाता है, और सब सरकारों ने रोका है, सब सरकारों ने पहले रोका है कि जिससे कि कानून और व्यवस्था ठीक बनी रहे, लोग उकसावे में ना आए, जब शांत हो जाएगा तब सब लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोका नहीं है। और उसके बावजूद भी जब उन्होंने कहा कि उनको लोगों को बुलाना है तो सरकार ने लोगों से मिलवाया, और मिलवाकर उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, तब ये परतें खुल रही, तब वो कटघरे में खड़े होंगे। आप बताएं, अब वो जवाब दें कि कैसे जमीन गई।